पहले भी हुआ था, आज भी है। होता रहेगा। उस समय राक्षसों से लड़ने के लिए महर्षि दधीच ने अपना अपने शरीर का दान किया था। दान देने से उनके पार्थिव शरीर का वज्र बना था और असुरों का संहार हुआ था। आज भी असुर है, असुर के रूप में हमारे वे रोग हैं जो मानव शरीर के लिए काफी हितकारी है, जिनसे वे परेशान रहते हैं और मृत्यु भी होती है। आज भी इस देवासुर संग्राम में लोगों को आहुति देने की आवश्यकता है। ऐसे ही महर्षि दधीच की परंपरा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच है, आज हम हैं हरदासपुर कला गांव में। यह गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील जखनिया विकास खंड का एक गांव है। बाबू सुरेश सिंह जी, इनकी उम्र 65 साल वर्तमान में हो गई है। यह गांव के प्रधान भी रहे हैं, लगातार एक सत्र रहे हैं, उसमें इंस्टेशन भी मिला था। तो 7 साल तक लगभग ग्राम प्रधान रहे, युवक मंगल दल के अध्यक्ष भी रहे, और आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पक्ष में महामना के मंदिर में अपना योगदान किया है। मरने के बाद पार्थिव शरीर महामना के मंदिर में पहुंचा दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर लोग पार्थिव शरीरों से मोह करेंगे तो मेडिकल के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आज पूरे देश में पार्थिव शरीर का अभाव हो गया है, मेडिकल के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, डमी से काम चलाते हैं। अगर केवल सर सुंदरलाल चिकित्सालय को लिया जाए तो मेडिकल के छात्रों को पढ़ने के लिए 1 महीने में 40 पार्थिव शरीरों की आवश्यकता होती है, किंतु बमुश्किल 9, 10, 11 मिल पाते हैं। लोग डमी से काम चलाएंगे अथवा जो लावारिस लाते रहेंगी उन्हें लेकर के चलाएंगे। मरणोपरांत हमारी खूबसूरत आंखें दृष्टिहीनों के काम आएंगी। श्रीलंका से आज आंखें मिलती हैं दान में, तो हमारे दृष्टिहीन लोगों को लगती हैं। इसको भी अभियान चला करके करने की आवश्यकता है, तभी हम देश को उन्नतशील बना सकेंगे, तभी प्रगति की तरफ हमारा देश जाएगा। आज हमें सुखद अनुभूति है, कई दिन प्रधान जी ने फोन किया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, लंबे काल से दल के लिए समर्पित हैं। इन्होंने आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पक्ष में महामना के मंदिर के लिए मेडिकल के छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा के लिए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा के जो दोनों पक्ष हैं उसको पोषित करने के लिए आज इन्होंने मरणोपरांत अपने पार्थिव शरीर को दान करने का संकल्प पत्र भरा है। सुखद अनुभूति हो रही है, इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। लहुरी काशी यानी गाजीपुर में 3 दर्जन से अधिक लोगों ने अब तक संकल्प लिया है और एक का संकल्प पूरा भी किया गया, कलावती राय जी का। तो इस काम को और भी आगे बढ़ाते रहेंगे। एक ही पारी तो खेलने का परमात्मा ने अवसर दिया है, बार बार नहीं प्रधान जी, न इसमें क्वार्टर फाइनल है नहीं, न सेमीफाइनल है, कोई फाइनल मैच है। फाइनल तो फाइनल मैच दमदारी से क्यों न लड़ा जाए। और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या।